ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमः सर्वेभ्यः। कारक प्रकरणस्य अभ्यासः अस्माभिः आरब्धः। वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ कारकम एज वेल एज वी हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ कारकज। देर आर सिक्स टाइप्स। कर्तृकारकम इट इज नोन एज कर्ता। कर्मकारकम विच इज नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। करणकारकम इज फेमस एज इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट। संप्रदानकारकम द रिसीवर ऑफ एक्शन। अपादानकारकम द प्लेस ऑफ सेपरेशन। एंड अधिकरणम मीन्स आधार द लोकस ऑफ एक्शन। दीज आर सिक्स टाइप्स। एंड टू शो कर्तृकारकम वी ऑलवेज यूज प्रथमा विभक्ति। टू शो कर्मकारकम वी यूज द्वितीया विभक्ति। फॉर इंस्ट्रूमेंट कारकम करणकारकम तृतीया विभक्ति। संप्रदानकारकम चतुर्थी। अपादानकारकार्थे पंचमी विभक्ति। अधिकरणकारकार्थे सर्वदा सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। राइट। सो अमोंग दिस कारकज वी हैव सीन व्हाट इज कॉल्ड कर्ता कर्म करण एक्सेट्रा। देन वी स्टार्टेड लुकिंग एट द वेरियस यूजेस ऑफ विभक्तिज। वी हैव सीन प्रथमांत रूपाणी एंड द यूसेज ऑफ प्रथमा विभक्ति। फॉर एग्जाम्पल वस्तु निर्देशार्थम प्रथमा विभक्ति भवति। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू शो एनी पर्टिक्युलर वस्तु दट टाइम वी यूज प्रथमा विभक्ति। सह गणेशः अथवा सा महिला। सो वॉट एवर वस्तु इट मे बी वस्तु और पुरुष। राइट। प्रथमा विभक्ति इज बीन यूज्ड। अनदर यूसेज ऑफ प्रथमा विभक्ति इज व्हेन वी मेक अ सेंटेंस इनटू कर्तरी प्रयोग। कर्ता कारकम विल बिकम कमिंग अंडर प्रथमा विभक्ति। रामः भोजनं करोति। सो रामः वी नीड टू पुट इनटू प्रथमा विभक्ति। राइट। दैट वाज क्लियर। देन थर्ड रूल वी सॉ इन कर्मणि प्रयोग। कर्म विल कम अंडर प्रथमा विभक्ति। सो दैट वाज क्लियर। देन द्वितीय विभक्ति रूल्स वी हैव सीन। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ और यूसेज ऑफ द्वितीय विभक्ति। एंड यस्टरडे वी ऑल्सो टच्ड तृतीय विभक्ति। कर्तृकरणे तृतीया दैट वॉज फर्स्ट सूत्र। इफ वी आर मेकिंग अ सेंटेंस इन टू कर्मणि प्रयोग कर्तृपदस्य तृतीया विभक्ति भवति। वी हैव सीन दैट रूल। फॉर एग्जाम्पल रामेण रावणः हन्यते। दिस इज एक्टिव पैसिव वॉइस कर्मणि प्रयोग। इन कर्मणि प्रयोग कर्तृपदम कम्स अंडर तृतीया विभक्ति। So it will be put into तृतीया रामेण। कर्मपदम प्रथमांत रावणः। एंड अकॉर्डिंग टू रावणः और कर्मपदम क्रियापद विल बी देयर। लाइक रावणः हन्यते। इफ देयर आर मेनी राक्षसा देन वी विल से राक्षसाः हन्यन्ते। राइट। सो मेन रूल इज वेन एवर वी मेक अ सेंटेंस इन टू कर्मणि प्रयोग कर्तृपदस्य तृतीया विभक्ति भवति। कर्तृपदस्य तृतीया विभक्ति भवति। कर्तृपदम विल कम अंडर तृतीया विभक्ति। सेकंड अनदर पार्ट ऑफ दैट सूत्र करणे तृतीया। करण अर्थे तृतीया विभक्ति भवति। इंस्ट्रूमेंट विल कम अंडर तृतीया विभक्ति। फॉर एग्जांपल रामः सेम एग्जांपल वी कैन कंटिन्यू। रामः रावणं हन्यते। दिस इज अगेन नाउ आई एम पुटिंग इन टू कर्तरी प्रयोग। रामः रावणं हन्ति। So what instrument he is using? Banaha, right? So that Bana Padam is instrumental.
that instrumental case we have to put into show through Tritiya Vibhakti. Whenever we want to show Karanam, Karanakarakam, we need to use Tritiya Vibhakti. Ramaha Banena Ravanam Marayati Athva Hanti. That is Kartari Priyoga. Same can be put into Karmani also, but instrument will remain as it is. Ramena Banena Ravanaha Hanyate. Okay, that was Anrut. Another point we saw, whenever we use Saha, Sakam, Samam, Sardham, these avyayas, whenever these avyayas are used, that time we have to put Tritiya Vibhakti with that particular root, like along with. Saha means along with. Along with whom? Whatever padam, like Ramena Saha Lakshmanaha Vanam Gacchati. Lakshmanaha Vanam Gacchati, that is main sentence. Along with whom, if that question or that akanksha comes, then with Saha Avyaya we have to put Tritiya Vibhakti. We cannot say Ramam Saha. We cannot say we cannot use any another karakam with Saha. Right? So Saha here, Saha means this wala sakar. Let me show. Not prathama purushasya ekvachanam. This sakar, saha, saha. Okay, so along with saha we need to use Tritiya Vibhakti. Anga vikare, another point. If there is a disability or some vikara in anga, there we use Tritiya Vibhakti. We have seen this also. Like akshna athva netrabhyam andha, netrena andha, that we have seen, right? Athva padena khanjaha, padabhyam panguhu, right? Athva karnena badhiraha, right? Okay, another point. Hetau. Hetau means to show reason or cause, to show any cause. For example, अहम रत्नागिरौ रत्नागिरी प्रदेशे वसामि अथवा निवसामि. आई स्टे हियर इन रत्नागिरी. व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेइंग हियर? इफ आई वांट टू से, आई कैन से अहम अत्र अध्ययनेन वसामि. अध्ययनम बिकम्स स्टडी, बिकम्स रीजन. सो टू शो दैट रीजन वी हैव टू यूज तृतीया. अध्ययनेन वसामि. सः भक्तः देवं अथवा विष्णुं पश्यति. केन केन साधनेन अथवा केन केन हेतुना इति पृच्छते चेत् पुण्येन. सो पुण्य बिकम्स हेतु. दैट्स हाउ दिस तृतीयांत फॉर्म इज यूज्ड. ओके, अध्ययनेन वसति, पुण्येन हरिं पश्यति, पापेन नरके गच्छति, नरकं गच्छति इति. अलम, अलम मीन्स इनफ. इनफ, डोंट डू मच. लाइक फॉर दैट, whenever there is alam shabda, we have to put another word into Tritiya Vibhakti. Alam bhojanena, whatever bhava we want to show. Alam krodhena, bas abhi krodh nahi karna hai. Alam krodhena, alam bhojanena, alam snehena, athwa lalanena. Like many bhavas you can show through this. Or even you can use negative emotions also. Alam krodhena. क्रोधः मास्तु, अलं मत्सरेण, मत्सरः मास्तु, अलं ईर्ष्या इति आकारान्त, ईर्ष्या इति आकारान्त शब्द. सो ईर्ष्या विल बी तृतीयांत फॉर्म. अलं ईर्ष्या, ऑल सिक्स विकारज यू कैन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अलं मदेन, अलं लोभेन इत्यादिकम् उपयोक्तुं शक्यते. अस्तु. अलं आलस्येन, दैट इज ऑल्सो फाइन. अलं शयनेन, बस हो गया कितने सो हो गए करके. अलम अभ्यासेन इति अलम न वक्तव्यम, किंतु वाक्यार्थम मया अत्र स्थापितम तावदेव. अलम अभ्यासेन, अभ्यास कदापि अलम न, किंतु शयनादिकम भोजनादिकम विहाय यदि अभ्यासम कुर्वन्ति चेत् भोजन समये भोजन एव कर्तव्यम, शतम विहाय भोक्तव्यम इति प्रसिद्धम उदाहरणम. यू हैव टू गिव अप ऑल अदर थिंग्स एंड यू हैव टू ईट. शतम विहाय, शतम कार्याणि विहाय भोजनम कर्तव्यम. सहस्रम स्नानम आचरेत, सहस्र कार्याणि त्यक्त्वा. सहस्रम कार्याणि त्यक्त्वा किं कर्तव्यं? स्नानं कर्तव्यं.
No, I cannot say I have another work, so I am not going to take a bath. I have to take the bath, giving up all other karyas. Sahasram snanam acharit. Like there is a famous Subhashita, you can search. Shatam vihaya bhoktavyam. That is the beginning of that. That is first pada of that Subhashita. Shatam vihaya bhoktavyam sahasram snanam acharit. Laksham vihaya datavyam. Lakshakaryani vihaya दानं दातव्यम् इति अर्थः स ततः अन्तिमं पादं किं सहस्रं स्नानम् आचरेत् लक्ष्यं विहाय दातव्यं मया अधुना न स्मर्यते भवन्तः पश्यन्तु ग्रुप् मध्ये स्थापयन्तु नेट् मध्ये उपलब्ध भविष्यति अस्तु अग्रिमः बिन्दुः किं लाभः को लाभः किं प्रयोजनम् अथवा किं शब्दः उपयुज्यते राइट Whenever we want to show Arey, what is the purpose of that? That time we use Tritiya. Murkhena putrena kim? Right? Murkhena putrena kim? Another example we saw. If there is a pond and there is no water. Without water, what is the use of that pond? Right? There is a car, but it doesn't have tearing. That car also will be useless. Right? Similarly, you can say whatever. There is a Swayampaka Griham. बट अग्नि एव नास्ति अग्निना अथवा अग्निरहितेन स्वयंपाकगृहेन किं प्रयोजनं विदाउट अग्नि यू कैन नॉट कुक राइट पाचन सामग्री इज देयर बट देयर इज नो अग्नि देयर इज नो फायर इट विल बी यूजलेस राइट ओके दिस पॉइंट आई डिडंट एक्सप्लेन बट टुडे आई विल टच लिटिल बिट सदृशः मीन्स लाइक सो वेन एवर वी वॉन्ट टू शो He is like my father, mother, brother, sister. We have to use Tritiya Vibhakti along with Sadrusha Shabda. For example, Saha Mama Bandhuna Sadrusha Asti. Bandhuna is Ukaranta Shabda, so Tritiyanta form, Bandhuna. Whenever we say, he is or she is like motherly, we will say, Sa Mama Jananya Sadrushi. अस्ति सदृशः इज अ विशेषणम सो अकॉर्डिंगली इट विल चेंज जननी स्त्रीलिंग शब्द सो जनन्या सदृशी जनन्या इज तृतीयांत फॉर्म ओके राइट सिमिलरली व्हेनेवर समास विग्रह वी हैव टू डू दैट टाइम इट इज यूजफुल मातृतुल्य वी से राइट मातृतुल्य पितृतुल्य सदृश एंड तुल्य मीन्स द सेम राइट सह मम पित्रा तुल्य अस्ति इज लाइक फादर तत्र रघुवंशस्य प्रथम सर्गे दिलीप राजा वाज लाइक पित्रा तुल्य जनक तुल्य जनकेन तुल्य देयर इज अ फेमस उपमा गिवन फॉर यू नो दिलीप राजा बाय कालिदास ही सेज सह जनकः अभूत सह सर्वेषां जनकः अभूत वाय पालनात् पोषणात् भरणात् ही डज अ पालनम पोषण एंड भरण ऑफ प्रजा दैट्स वाय ही बिकम्स फादर ऑफ हिज प्रजा राइट प्रथम सर्ग यू कैन रेफर क्षम्यतां लाइक सुमित्रा एंड कैकेयी आर नॉट द रियल मदर्स ऑफ द राम इफ वी वांट टू से सुमित्रा Is Ramas is Ram is in Shashti Vibhakti, then we have to use it. Because there is a sambandha. Ramasya Matra. Matru Shabda Tritiyanta form will be Matra. Matra. Sumitra Ramasya Matra Tulya Asit Athva Asti. Kai Kai Ramasya Matra Tulya Athva Jananya Tulya Asit. Right? That way you can put it. Ram is in Shashti Vibhakti. सदृशा सदृशी यू शुड से ओके फाइन अनदर पॉइंट भावार्थे वेन एवर देयर इज इमोशन लाइक स्नेह लालनम पालनम इत्यादिकम सो काम क्रोध दीज आर सम भावज इवन निगेटिव इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस वी कैन यूज लाइक सह पूजयति कथम पूजयति केन भावेन पूजयति सह भक्त्या पूजयति माता शिशुं पालयति केन भावेन पालयति स्नेहेन पालयति प्रेमना पालयति प्रेम इति नपुंसकलिंग प्रेमन शब्द नकारान्त प्रेमना बिकम्स तृतीया विभक्ति ओके स्नेहेन अथवा प्रेमना प्रेमना इज तृतीयांत फॉर्म
okay, all another emotions you can put here. Okay, hinah, hinah means rahitah. Jnanena rahitah purushah jagati na shobhate. If there is no knowledge, jnanena hinah purushah jagati na shobhate. Hinah matlab rahitah, without knowledge. Tatra kim sahitya sahitya hinah पुच्छ समथिंग सम सुभाषित इज देर कलाविहीन कलाविहीन साहित्य शास्त्रम कलाविहीन समथिंग सम सुभाषितम आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट बट या आई विल पुट इन टू ग्रुप आफ्टर द क्लास ज्ञानेन हीन दैट वे यू कैन पुट विनयेन रहितः विद्यावान अपि न शोभते दैट वे वी कैन पुट There is a jnanam, there is a knowledge, but there, if there is no vinayah, vinayena hinah, vinayena rahitah manushyah, jnanvan api, even though he is a jnani, jnani api na shobhate. That way. Kalah, with kala word, we can use trutiyant. Kiyata kalena sah karyam karoti. About this, there are some sutra, kala, kalena, kala adhvara iti shabdena sah, tritiya vibhakti bhavati. Masena adhite sah sandhi prakaranam, atva karaka prakaranam, masena adhite. Masena adhite means he at least need a month to study karaka prakaranam. So, masena adhite. Varshena grantham adhite pathati. He needs 1 year to complete one text. Like if that text is big, right? So that way we can, whenever we want to show kala, that much kala is required. So varshena, masena, saptahena, ekena saptahena eva vayam sarve api kim kurmaha karaka prakaranam samapayamaha. Ekena masena iti api vaktum shakyate, ekena divasena iti api vaktum shakyate. Ek hi din mein hum sab pad lenge. Ekena. That is the use of kala. To show particular kala. Okay. Now, let's move to tritiya, chaturthi vibhakti. Is there any doubt regarding tritiya? If it is not, then we will move to next. Everything is clear or? Shall I move to next? Okay, next. Yes. Chaturthi vibhakti. संप्रदाने चतुर्थि संप्रदानम यूनो दानम कर्मणा यम अभिप्रैति देयर इज अ सूत्र संप्रदाने चतुर्थि इति भवति किंतु संप्रदान कारकम मीन्स व्हाट व्हेनेवर देयर इज अ कर्ता वांट्स टू गेट कनेक्टेड बाय गिविंग एक्शन विथ समवन दैट सम पर्सन बिकम्स संप्रदान मीन्स व्हाट इन द सिंपल वे The receiver of action becomes sampradana. And to show that sampradanam, sampradane karake chaturthi vibhaktihi bhavati. To denote that sampradana karakam, to denote that receiver of action, we have to use chaturthi vibhakti, that is first rule. For example, there are many examples you can make. Like yasmai datavyam tasya chaturthi. Yasmai datavyam means one who is receiver. That person becomes sampradana and to denote that person we have to use chaturthi vibhakti. Balihi dadati. Balihi bhumim dadati. Kasmai bhumim dadati one who is a receiver. Now here who is a receiver? Vamana Bhagavan. So Vamana Bhagavan will get new name as sampradana. And to denote that sampradana karakam, we always use chaturthi vibhakti. Right? So, vamanaya becomes sampradana karakam and it is shown by chaturthi vamanaya. He is a receiver. Without vibhaktis, we cannot show karakas. Right? That is the use of vibhaktis. That's it. Balihi vamanaya bhumim dadati. Ramaha brahmanaya pushkalam dhanam yachati. रामः धनं यच्छति
केभ्यः वी कैन से ब्राह्मणेभ्यः बहुवचनम आल्सो वी कैन वचने किमर्थम दरिद्रता परशुरामः शक्तिम ददाति सो एक्चुअली यू कैन मेक अनदर वे संप्रदानम इफ यू डोंट अंडरस्टैंड वेन एवर वी यूज ददाति और यच्छति क्रियापद वन हु इज अ रिसीवर दैट पर्सन विल पुट इन टू चतुर्थी वी आर गोइंग टू पुट देम इन टू चतुर्थी वामनाय ब्राह्मणाय श्रीरामाय फ्यू मोर सेंटेंसेस देवाय पुष्पाणि समर्पयामि अहम पूजा करण वेलायाम पूजा वेलायाम अथवा पूजायाम देवाय श्रीकृष्णाय अथवा रामाय अथवा कोपि देवः अपरः देवः तस्मै देवाय किं करोमि पुष्पाणि समर्पयामि आई ऑफर पुष्पस और फ्लावर्स टू दैट लॉर्ड सो वी आर ऑफरिंग टू समवन ही इज बिकमिंग रिसीवर अगेन ओके समर्पयामि ओके माता बालकाय मोदकम ददाति अगेन ददाति क्रियापद समर्पयति क्रियापद यच्छति क्रियापद देर आर मेनी मोर क्रियापद विद दोज क्रियापद वन हु बिकम्स रिसीवर ऑफ समथिंग दैट पर्सन इज पुट इन टू चतुर्थी विभक्ति हियर आई डिडन्ट यूज एनी स्त्रीलिंग फॉर्म बट यू कैन यूज हाँ आई लाइक अ कस्मै काम ददाति अहिल्यायै रामः मोक्षं प्रददाति दैट वे यू कैन पुट नाउ इट्स योर टाइम टू मेक सेंटेंसेस ईच वन कैन मेक वन वन सेंटेंस नेमली आई विल आस्क नंदिनी जी मीरा जी मोहिनी जी एंड तृप्ति जी यू मेक सम सेंटेंसेस देन आई विल आस्क अदर्स आल्सो ईश्यः गुरवे गुरु दक्षिणा समर्पयामि समर्पयति समर्पयति गुरवे समीचीनम गुरवे दक्षिणाम समर्पयति नाइस वैद्यः रुग्णाय औषधं ददाति हाँ रुग्णः वैद्याय हाँ वैद्यः रुग्णाय वैद्यः रुग्णाय रुग्णाय औषधं ददाति समीचीनम पुत्री मह्यं फलं ददाति फलं ददाति समीचीनम् मोहिनी जी जी सर सेंटेंस सेंटेंस विप्राय गाम ददाति हाँ विप्राय नाम ब्राह्मणाय गाम ददाति धेनुं ददाति मधुसूदनः अर्जुनाय गीता ज्ञानं ददाति मधुसूदनः अर्जुनाय गीता ज्ञानं ददाति समीचीनम् नाइस ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिस इज क्लियर राइट सिंपल नेक्स्ट सूत्रम इज रुच्यर्थानां प्रियमाने रुचि रुचि इत्यस्मिन् अर्थे यस्मै रोचते तस्य चतुर्थी विभक्ति भवति वन हु लाइक्स दैट पर्सन विल बी पुट इन टू चतुर्थी विभक्ति इट विल बी क्लियर थ्रू यू नो प्रयोग रोचते इति क्रियापदम प्रसिद्ध क्रियापदम दिस इज फेमस क्रियापद वेन एवर देर इज वेन एवर यू यूज रोचते क्रियापद यू हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर पर्सन हु वन हु लाइक समथिंग ही विल बी पुट इन टू चतुर्थी विभक्ति फॉर एग्जाम्पल लेट सी बालकाय अथवा शिशवे दुग्धम रोचते रोचते दिस इज क्रियापद रोचते मीन्स टू लाइक टू लव टू लाइक राइट दुग्धम रोचते वॉट ही लाइक्स मिल्क बालकाय दैट बालक पर्सन दैट बालक विल बी पुट इन टू चतुर्थी वाय बिकॉज ही लाइक्स दैट ओके रोचते अनादर एग्जाम्पल ईश्वराय भक्ति ही रोचते ईश्वराय भक्ति ही रोचते God loves bhakti. That type. Ganeshaya modakani rochante. Rochete is atmanipadi kriyapada. So rochate, rochete, rochante. There are many modakas. That's why rochante kriyapada. Okay. Few more examples. Ishwaraya bhakti hi rochate means Lord Ishwara likes bhakti. Is that what yours?
Correct. Bhakti or devotion is loved. So now what happens with this prayoga rochate? Actually, along with rochate, there should be main kartrupadam, karma padam, like dugdham, bhaktihi, modakani, ityadikam becomes kartrupadam in kartari prayoga. And Ishvara becomes some another person because he is liking. So structure, if you say, Balakai will be put into Chaturthi. But while translating this sentence, we can say Balak milk is liked by Balaka. This will become passive. Right? But Balakaya Dugdham Rochate, if you want to say in English in Kartari Prayoga, we should say Balaka means child loves milk. That way it is translated nowadays. I don't know how to make into बालक के लिए दूध पसंद है, ऐसा उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो सकता है. लेकिन जभी जभी रोचते क्रियापद का यूज होता है ना, तो जिसको पसंद आता है वो हमेशा चतुर्थी में रखा जाता है, वो वाला पद जिसको पसंद है. और जो पसंद है वो प्रथमा विभक्ति में रहेगा हमेशा. जैसे कि दुग्धम प्रथमा में है, भक्ति प्रथमा में है, मोदकानी भी प्रथमा में है, अध्ययनम एकांत है, ये सारे प्रथमा में आएंगे. जो वस्तु, जो विषय प्रिय है वो प्रथमा में रहेगा और जिसको पसंद है वो चतुर्थी में जाएगा. क्लियर है? ओके. हाँ, नाउ सेंटेंसेस, इट विल बी क्लियर थ्रू सेंटेंसेस. नाउ दोज हु डिडंट मेक सेंटेंस, दे कैन ट्राई. मधुमक्षी पुष्प रोचते. हाँ, नाउ दैट मधुमक्षिका इज आकारांत शब्द, यू हैव टू पुट इन टू चतुर्थी विभक्ति. लाइक रमा, इट वुड बी रमायी. सो मधुमक्षिका, मधुमक्षिकायी मधु अथवा पुष्पम रोचते. राइट? सर, बालकाय क्रीडनकम रोचते. क्रीडनकम रोचते, समीचीन. I want to say the birds like worms. So pakshinaha, the chaturthi vibhakti would be pakshini, athva pakshibhyah. Pakshin is the ika innanta pratyaya, innanta shabda. Pakshin chaturthi vibhakti ekvachanam becomes pakshine. Pakshine जंतव रोचन. इफ देर आर मेनी, इफ देर इज ओनली वन, जंतु रोचते. कीटकम, कीटक रोचते इति वक्तुं शक्यते. ओके, फ्यू मोर सेंटेंसेस, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. मह्यम संस्कृत संस्कृतम अध्ययनम बहु रोचते. संस्कृत अध्ययनम, संस्कृत अध्ययनम रोचते, समीचीनम. संस्कृतम अध्ययनम रोचते. इफ यू आर मेकिंग एडजेक्टिव ऑफ अध्ययनम, देन यू कैन से संस्कृतम अध्ययनम रोचते. अथवा समस्त पदम इफ यू डू, इट विल बिकम संस्कृताध्ययनम रोचते. संस्कृतस्य अध्ययनम, संस्कृताध्ययनम. सर्वेभ्यः सुगंधम रोचते. सुगंधः इति पुल्लिंग शब्दः. गंधः इति लिंगः. सर्वे लोके हम आई एम सेइंग लोके ही स्थित प्रज्ञाः रोचन्ते. दैट वुड बी, नाउ मेन रूट इज रुच. इफ यू आर मेकिंग पैसिव वॉइस, इट विल बिकम रुच्यते, रुच्यन्ते. इट चेंजेस इनटू पैसिव, राइट? मेन रूट शुड बी यूज्ड इन पैसिव एंड अलोंग विद दैट यकार प्लस ते इते अंते प्रत्यय. सो रुच्यन्ते, रुच्यते सिंगुलर, रुच्यन्ते प्लुरल. शाल आई मेक वन सेंटेंस ऑफ कर्मणि प्रयोग? ओके, हियर आई विल मेक. व्हाट सेंटेंस आई कैन मेक? सीता यही रामः
What should I say? Ruchyate. Okay, let's say ruchyate. Ram is loved by Sita. That way it would be. But it doesn't make that much sense. So let's skip it. Let's make it into kartari only. Two more sentences, then we move on. Can we say Sita yai Ramaha priyate? Priyate. There is a kriyapad. Prinati. Priyate, I need to find out whether that is parasmai padam or atmani padam. Okay, I will get back to you. Mahiyam krandanam na rochate. Oh, achha. Na rochate. Nice. I said, I thought something else. What is krandanam? Rodanam. Crying. Okay. Next point is, whenever we use krudha dhatu, druha dhatu, irsha, asuya, yasmai yam prati kopaha tasya chaturthi vibhakti. So yasya upari krodha, kopaha, droha, irsha, asuya, ityadikam pradarshate tasya chaturthi vibhakti bhavati. Yasmai krodha kriyate, saha purushaha chaturthi vibhakti madde sthapyate. Pita krudyati, ekin kupyati. Fathers get angry. All fathers are like that. So pita, here I made a singular, pita balakaya krudhyati. So yasmai kopaha, yasya upari krodaha kriyate, that balakam will put into chaturthi. Pita balakaya krudhyati. Jiske upar krodh, ko, droh, irsha, asuya, adi की जाती है उस व्यक्ति की उस वस्तु की चतुर्थी विभक्ति होती है. सिंपल रूल लाइक अनदर. कंस कृष्णाय कुप्यति. कंस किसके ऊपर क्रोध करता है? कृष्ण के ऊपर क्रोध करता है, कोप करता है. दोनों का सेम ही मीनिंग है, क्रुद्यति कुप्यति. ओके अनदर. विभीषण रावणाय दृह्यति. राइट, दृह्यति. द्रोह करना, to betray. Another sentence. Suruchi hi sunitayatva sunityai. Both way can make. Two possibilities are there with rasva ikaranta shabda. Okay. Irshati. Okay. Irshati, jealous. Durjanaha sajjanaya asuyati. Asuyati means buraiya nikalna. Achche gun hote huwe bhi usme achche gun nahi dekhna, buraiya nikalna. Kya bolte English mein isko? Jealous, taunting. Jealous, no, not jealous. Jealous means irsha. Something like pessimism. Not even criticism. Ridicule. I have to. Asuya karna, matlab. Envy, taunting karna. Mistake nikalna, nahi. Envy. Yadi. यदि मिस्टेक है तो मिस्टेक निकाले तो कोई परेशानी नहीं. मतलब जिसमें अच्छे गुण हैं उसमें भी अच्छे या न देखना, उसको असूया बोलते हैं. यदि राम श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन उनमें भी दोष देखते हैं लोग. अरे उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया, तो उनका रीजन होगा कुछ क्यों छोड़ा करके. लेकिन तो ऐसा यदि कोई बोलता है राम अच्छा राजा नहीं था और अच्छा पति नहीं था, तो ये राम के प्रति असूया कर रहे हो आप. गॉसिप करना असूया के लिए सर्च करना पड़ेगा. एग्जैक्ट वर्ड सर्च करना, क्योंकि सिमिलर है. थोड़े से ईर्ष्या, जलस है. जब जलस होता है तब असूया करने लग जाता है, ऐसा भी कुछ है. तो देखते हैं द्रोह, ईर्ष्या, असूया, ये एक साथ आने वाले सारे क्रियाएं हैं. इसके लिए मैं इंग्लिश वर्ड मुझे भी ढूंढना ही चाहिए. पढ़ाते हैं तो एक शब्द पता होना चाहिए. देखता हूँ मैं. ठीक है, अधुना कानिचन वाक्यानि वदन्तु एतेषाम् उपयोग. आई कैन से
दुर्योधनः भीमाय ईर्ष्यति. ईर्ष्यति समीचीनम्. दुर्योधनः बिकॉज ही कैन नॉट से एनी ही कैन नॉट डू एनीथिंग विद भीम ही इज सो बलवान दैट वन ईर्ष्यति. नाइस नाइस एग्जांपल. सीता रावण आए इसमें से कुप्यति आएगा कि अकुप्यत क्या है. सीता जो है वो रावण पे क्रोधित हैं उसके लिए. अकुप्यत दैट वुड बी लंग लकार लाइक पास्ट थिंग एंड कुप्यति यू कैन वी डोंट व्हेनेवर यू वांट टू मेक सेंटेंसेस अबाउट गॉड्स वी डू नॉट यूज पास्ट थिंग राइट मींस वी कैन यूज बट with respectful we don't say Rama is gone we say he is present even now that's how it becomes vartaman sentence Sita kupyati like ji Rama ravanaya krudyati Ram abhi bhi krodh karte hai karke lekin sentence wise dono sahi hai past tense to past tense bhi bana sakte hain banate hain waise kuch durvasa sakuntlayai krudyati देखो वो वाला अच्छा सेंटेंस शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम यही पठितम अथवा महाभारतम यही पठितम ये अवगच्छन्ति तादृक् प्रयोग. सत्यभामा कृष्णाय कुप्यति कुप्यति सत्यभामा कृष्णाय कुप्यति सत्यभामा पत्नी खलु आम इतोपि वाक्यानि We'll touch next point. Tadarthe. Tadarthe means artham shabda whenever you use artham. Kim artham that way if we ask whatever answer we will get that padam will be put into chaturthi. Kim artham tadartham atva tadarthe. For something. For example yasya krite kim api karyam ityadikam karyadikam kriyate. तस्य व्यक्तेः कृते वस्तुनः कृते किं विभक्ति उपयुज्यते चतुर्थी. फॉर एग्जांपल राजा तड़ागादीन निर्माति राजा निर्माति ही बिल्ड्स ही क्रिएट्स व्हाट तड़ाग पॉन्ड एक्सेट्रा वेल पॉन्ड्स अथवा फोर्ट्स एक्सेट्रा किमर्थम जनेभ्यः फॉर द सेक ऑफ पीपल हिज प्रजा. सो राजा प्रजाभ्यः अथवा जनेभ्यः तड़ागादीन निर्माति. अनदर सिंपल सेंटेंस पिता धनं संपादयति किमर्थं धनं संपादयति पिता अथवा माता व्हाटएवर पुत्र पालनाय पुत्रार्थम पुत्रार्थम यू कैन पे फुट पुत्राय चतुर्थी विभक्ति आल्सो यू कैन यूज अथवा पुत्रस्य कृते that way also you can put there are many ways to put chaturthi or tadarthe right pita putraya dhanam sampadayati pita putrartham dhanam sampadayati pita putrasya krute dhanam sampadayati. Another sentence aham pathami kimartham pathami jnanartham pathami jnanaya pathami. So now it can be hetu also you can use tritiya jnanena pathami right and for few more subtlety we have to study some sutras we'll find out there are some sutras regarding this if we get more chance to study I will cover up that topic also. Mata balakebhya bhojanam nirmati athwa pachati pachati also we can say mata balakebhya bhojanam nirmati pachati किमर्थं पचति बालकेभ्यः राइट ओके नाउ मेक सम सेंटेंसेस बाय यूजिंग तादर्थे फॉर समथिंग सज्जनः सज्जनः लोकहितार्थं लोकहितार्थं अथवा लोकहिताय लोकहिताय सज्जनः
लोकहिताय कार्यं कुर्वन्ति सज्जनाः कार्यं कुर्वन्ति सज्जनः कार्यं करोति महाराष्ट्र महाराष्ट्र देशीयाः ये सन्ति ते जानन्ति कदाचित् महाराष्ट्रस्य आरक्षकाः तेषां तत् लोगो मध्ये एकं वाक्यं भवति किं वाक्यं भवति तत् जानन्ति वा जनहिताय सदरक्षणाय सदरक्षणाय सदरक्षण एंड वन मोर खलनिग्रहणाय खलनिग्रहणाय इजंट इट दैट इज किमर्थम ते कार्य कार्यरताः भवन्ति दे हैव ओनली टू पर्पस वन इज सद दुर्जनानां रक्षणाय अनदर इज खलानां दुर्जनानां निग्रहणाय दैट इज द मेन पर्पस ऑफ पुलिस दल ओके फ्यू मोर सेंटेंसेस बालः दुग्धाय क्रंदन्ति बालः दुग्धाय क्रंदन्ति आपको क्रंदति क्रियापद ज्यादा पसंद है क्या I can say क्रंदन करना मतलब वो रो रहा है ना उसके लिए आएगा ना मतलब सही है वाक्य सही है बालकाः दुग्धाय क्रंदन्ति समीचीनम् I can say sorry my sentences are very simple अहम् पुत्रि विवाहाय आभरणम् क्रीणाति अरे वाह समीचीनम् आभरणानि आभरणम् किमर्थम् बहुनि आभरणानि नाइस वयम् गंगा स्नानाय प्रयागम् गच्छामः वाह वयम् गंगा स्नानाय प्रयागम् गच्छामः समीचीनम् गुरुः शिष्याभ्यः पाठं पठति हाँ गुरुः शिष्येभ्यः पाठं पठति ना गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए स्वयं पढ़ता है ऐसा वाक्य का अर्थ है कि नहीं गुरुः शिष्येभ्यः पाठनाय स्वयं पठनं करोति स्वयं पाठं पठति अथवा पाठं पाठयति दैट वे आल्सो वी कैन पुट अनदर नाइस यस यस समर्थ वत्सला जी वत्सल जी कौन है वो वैशाली जी क्या नहीं मेरे युवाम नौका विहाराय जलाशयम गच्छतः युवा हाँ युवा नौ दैट वुड बी द्वितीय नॉट युवा नौ लाइक वो दोनों सो युवा शब्द इफ यू डिक्लाइन युवन युवाम युवम अच्छा यू ओ क्षम्यताम युवाम नाइस 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 आई थॉट युवाम नाइ तरुणः गुड गुड तो गच्छतः युवाम गच्छतः गच्छतः करेक्ट करेक्ट वन मोर सेंटेंस देन वी विल मूव टू नेक्स्ट मे आई ट्राई इट माइट बी इनकरेक्ट बट स्टिल Yes. What can we call hard work in Sanskrit? Dushkaram karyam. No, hard work. Hard work. Kashtakaram. Kashtakaram. Shramikah kim karoti? Kashtam karoti. Kashtam ha. Hard work. Kashtam iti uchyate. कष्टम समर्थ यू कैन से कष्टम सुकष्टम करोति यू कैन से सुकष्टम करोति ओके मोदी महोदयः भारतवासीयैः सुकष्टम करोति वासीय वासीय शब्द इफ यू आर यूजिंग देन वासीयाय अथवा वासिन इति शब्द भविष्यति इन अंत फॉर्म इट वुड बी वासिने वासिनेभ्यः वासिभ्यः वासिभ्यः यू शुड मेक योगिभ्यः वासिभ्यः ओके ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट ऑफ दिस नमस्तपि स्वधा अलम वशट योगाच दैट इज अ सूत्र
along with namaha avyayam, swasti avyayam, swadha, alam, vashat, swaha I forgot to put, okay? Namah swasti swaha, swadha, swaha, alam, vashat, yogaccha. You can put into this sutra. Namah swasti swaha, swadha, alam, vashat, yogaccha. After swasti, you can put swaha word also, okay? Namas adi yoge chaturthi vibhakti bhavati. Along with namas, along with swasti, swaha, swadha, these words you have to put chaturthi vibhakti. For example, Ramaya namaha, Sarasvatyai namaha, Shri Gurubhyo namaha. So Ramaya, Sarasvati, chaturthi vibhakti, ekvachanam, Gurubhyo, chaturthi vibhakti bahuvachanam, along with namaha. Simple use. Swastihi. Swastihi means what? Swasti means what? Kalyanam. There is avye swasti. Swasti means kalyanam. Prajabhyah swasti. Swasti prajabhyah paripalayantam. Nyayena margena mahim mahinta. That is famous mantra. Swastihi. Prajabhyah swasti. Swasti prajabhyah. Right? Swasti prajabhyah. Praja ka kalyan ho. That way. Ashirvad dete the log. ओके पितृभ्यः स्वधा स्वधा मतलब ऑफरिंग्स फॉर हूम पितृच पितृभ्यः स्वधा आई नीड टू पुट वन मोर पॉइंट हियर स्वाहा शब्द आई विल ऐड स्वाहा स्वाहा स्वधा लमो षट योगच्च बिफोर दैट आई नीड टू मेक वन सेंटेंस देवेभ्यः देवाय देवाय स्वाहा अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा दिस वे यू कैन मेक सेंटेंस राइट देवाय स्वाहा अथवा देवेभ्यः इफ देयर आर मेनी यू कैन से देवाय अग्नये स्वाहा प्रजापति स्वस्ति इत्युक्ते कल्याणम कल्याण हो अच्छा हो इस अर्थ में यूज होता है स्वस्ति अव्यय पितृभ्यः स्वधा स्वाहा क्षम्यताम पितृभ्यः स्वधा जब ऑफरिंग्स देते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है देवों के लिए जब ऑफरिंग देते हैं दैट टाइम वी हैव टू यूज द वर्ड स्वाहा इदम न मम अग्नये स्वाहा इदम न मम ये मेरा नहीं ये आपका ही ये आपके लिए ऑफर कर रहा हूँ ऐसा करें लेकिन जब अपने पितरों को हम कुछ ऑफर करते हैं उस समय हम शब्द यूज करते हैं स्वधा बोथ हैव सेम मीनिंग स्वाहा एंड स्वधा आई एम ऑफरिंग बट देर इज अ चेंज ऑफ यूज दिस वर्ड वेन एवर वी यूज वी गिव ऑफर फॉर गॉड्स वी हैव टू यूज स्वाहा देर इज अ पर्टिकुलर नियम इन पूर्व मीमांसा एंड इफ वी आर ऑफरिंग टू आवर फादर्स दैट टाइम वी हैव टू यूज द वर्ड पितृभ्य स्वधा स्वाहा एंड स्वधा मीन्स ऑफरिंग्स दैट्स इट गीता ज्ञानाय अलम अलम मीन्स हियर अगेन वी आर यूजिंग अलम वर्ड अलम हैव टू मीनिंग्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू अलम मीन्स इनफ नाउ यू डोंट अलम भोजनेन अलम क्रोधेन अलम विद दैट अलम वर्ड इनफ इन इन दिस मीनिंग वी यूज तृतीया विभक्ति बट वेन दैट अलम अव्यय कम्स इन द मीनिंग ऑफ सफिशियंट ही इज सफिशियंट शी इज सफिशियंट इट इज सफिशियंट विद दैट सफिशियंट विद दैट अलम वर्ड वी हैव टू यूज चतुर्थी गीता अलम अस्ति कस्मै किमर्थम अलम अस्ति ज्ञानाय अलम अस्ति मोक्ष ज्ञानाय ब्रह्म ज्ञानाय अथवा धर्म ज्ञानाय गीता अलम अस्ति सिमिलरली रामः एकाकी एव सर्वेभ्यः राक्षसेभ्यः अलम एकाकी रामः राक्षसेभ्यः अलम दिस वे अलम इत्युक्ते यहाँ पे काफी है ना काफी सफिशिएंट है बहुत है इन द सेंस काफी है ये अच्छा रहेगा बहुत नहीं काफी है अकेला राम सबके लिए भारी है सबके लिए काफी है ऐसा और वशट वौशट फिर से वो जब आहुति इत्यादि कम करते हैं तो उस एक्शन को वशट वौशट बोलते हैं
कुछ ऑफर करते समय, देवेभ्यः वशट वौषट। आजकल ज्यादा जहां जहां यज्ञादि कर्म होते हैं वहां इसका प्रयोग होता है। तो नॉट नेसेसरी टू रिमेम्बर दिस वशट वौषट, ब्राह्मणस अथवा दोधुडु यज्ञ यागादि दे विल रिमेम्बर। वी हैव टू रिमेम्बर नमः। What is the difference between swaha and vashat? There is a kind of action while performing that we have to do. We have to use vashat. Offering, there is a some little bit difference. There we actually offer something. And while performing some actions like a khat, that kind of. Ahuti dene? Ahuti dene manje vashat ka? No. आहुति देत असताना, आहुति देते वक्त जो शब्द यूज किया जाता है उस वो शब्द होता है स्वाहा। आहुति देते समय, आहुति मतलब स्वाहा या वशट ऐसा कुछ नहीं है। आहुति को देते समय बोला जाने वाला शब्द क्या है? स्वाहा। यदि वो आहुति देवों के लिए दी जाती है, वही आहुति पितरों के लिए देते हैं, तब वहाँ स्वदा शब्द का और वहां कुछ क्रियाएं होती है यज्ञ में, उस क्रिया करते समय ऐसा कुछ प्रयोग किया जाता है वशट शब्द का, वौषट शब्द का। वो क्रिया मुझे भी पता नहीं कौन सी क्रिया के योग में क्या करना चाहिए, लेकिन जब देवों के लिए कुछ क्रियाएं की जाती है तो उस समय वशट या वौषट शब्द का प्रयोग होता है। तो नॉट नेसेसरी टू रिमेम्बर दिस यू नो, बिकॉज वी डोंट परफॉर्म एनी यज्ञ। इवन वी वॉन्ट टू परफॉर्म, वी विल बी परफॉर्मिंग थ्रू ब्राह्मण और संयज्ञ करता, राइट? सो दे विल डू ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ वशट एंड वौषट। आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस। सर, दिस वर्ड विल बी यूज वेरी लेस ना, वशट। वशट, यस, नॉट फ्रीक्वेंट। विष्णु सहस्र नाम में जो है ओम विष्णु विष्णु वशटकारो, सो इज द सेम। हाँ, वशट शब्द। Okay, now make few sentences by using namaha or alam. Others are not frequently used, so let's do this. But still you can make if you, anybody who wants. Famous is kalaya tasmai namaha. Kalaya tasmai namaha. Niti Shatakam, if you have studied, you will find that shloka. Very Ramaya Ramadhyaya. Correct. श्री गणेशाय नमः, ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः। अलम, अलोंग विद दिस अलम वर्ड, हिंदी में यदि कहा जाए कि एक अकेला स्वप्रभारी, तो इस अलम कैन बी यूज अलम इन एक एक्चुअली शतम शब्द है ना, तो आप क्या बोल सकते हो? That's why I have doubted. शतजनेभ्यः ऐसा समस्त पद करके एकाकी सह एक सह एकाकी शूरः अथवा वीरः शतम अथवा शतजनेभ्यः अलम ऐसा यूज कर सकते हो। ओके, सो आई कैन से जनेभ्यः शतकोटि धनम् अपि न अलम्। ओके, पर्याप्तं न भवति इति अर्थः। समीचीनं वाक्यं, समीचीनं। ब्रह्मज्ञानाय गुरु अलम्, गुरुः अलम्, गुरुः इति वक्तव्यं। समीचीनम्। अरे वाह, अर्जुन कौरवाय अलम्। ओके, नाउ शैल वी डू समरी। छात्राय स्वस्ति, छात्राय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति। बहुवचनम आल्सो यू कैन यूज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द स्कूल, एंड इफ दे टच योर फीट्स यू कैन से।
संस्कृत पठनम जीवनाय अलम। हाँ, जीवनाय संस्कृत पठनम अलम। अन्य अन्येषां विषयानाम् अपि अध्ययनम् आवश्यकं, किन्तु संस्कृतं पर्याप्तम् अलम् अस्ति, तथा वक्तव्यं नाम। हाँ, इतोपि वाक्यमस्ति वा अथवा समरिं करोमि? May I make a last sentence using Swaha? वदतु वदतु। पितृपक्षे भीष्माय भीष्माय स्वाहा। स्वाहा, I said whenever we use a, we give offerings to forefathers. Okay, then Swadha. Swadha. So he is also treated as a forefather then. He is also considered to be a forefather then. Okay. Sampradane Chaturthi, one who is a receiver of action, that person will be put into Chaturthi Vibhakti. For example, Raja Brahmanaya Gam Dadati. Brahman is a receiver of action, so he will be known as Sampradana Karakam, and to denote that Sampradana Karakam, we use Chaturthi Vibhakti. Ruchi Arthe, Rochate, along with that Rochate Kriyapada, whom's or whomever it likes it, that person will be put into Chaturthi. Balakaya Dugdham Rochate, child loves milk, so that child will be put into Chaturthi. Okay. Then alam shabda. Alam shabda actually we can put into last rule, but here for to make more clearer, I have put separately. Alam means what? Sufficient. Kafi hai is artha mein. Ekaki ramaha sarvebhyah rakshasebhyah alam. Athwa whatever sentences you have made recently. Krudyati, kupyati, druhyati, asuyati, along with this kriyapad. So there was not sufficient space, so I just separated them. Kupyati krudyati I have put into one. Druhyati irshati, or there is also you can add asuyati. So sajjanaha shataha sajjanaya irshati, mata putraya kupyati athva krudyati, that way you can make. Tadarthe chaturthi, tadarthe for whom sake, sake you are performing some action, like pita putraya dharam sampadayati, kimartam sampadayati, putraya for his child or children. Namaha swasti swadha alam vashat yoga cha. So that is a sutra. Separately I didn't put, I just made it separately. Namaha swasti swaha swadha, but it is one sutra only. Okay, alam also comes under this category. Namaha swasti swaha swadha alam and vashat. So because of less of place I didn't put here, but you can understand. Okay, now there are 2 minutes. You can ask some questions if you have. Guruji, should I remind you about the Bhavavachya tomorrow? What was the question? The Bhavavachya, you had asked, you said that you had explained certain. Bhavya Prayoga, you should say Bhavya Prayoga, okay. Bhavya Prayoga. Tomorrow or at the end of the class, last class. Either tomorrow at the end of the class, otherwise last din hamara 8 tarikh ko hai na, us din bhi dekh sakte hain. Extra time lekar. Mahoday, ek aap se vinti hai, sandhi ke upar bhi aise class lijiye na 8-10 din ka. Karenge, bil karenge. Sandhi ka humne ki, ek minute hai, main recording stop kar deta hoon. Om Purnamidam Purnamidam Purnat Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।